शनीला क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो बेटा? इतने अच्छे नंबर तो लिए, सारी तुम्हारी मेहनत में रायगा होने दूंगी। तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो ना, तुम्हें भेज दूंगी बेटा। पर थोड़े से और नंबर आ जाते तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप ही लग जाए। लो चलो और मेहनत कर लेना, इससे ज्यादा अच्छे नंबर ले लेना तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो मुझे दूर का डोल लग रहा है, इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे पूरे बेटा, आज तक अल्लाह ही ने मदद की है ना, और करेगा मदद, हो जाएंगे सारे पूरे बेटा। तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो जब इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे? और क्या, मुंह लटका के तो नहीं बैठी हुई, परेशान हूं ना मैं। परेशानी का ये मतलब नहीं कि बंदा ऐसी शक्ल बना के बैठे, हमेशा कुछ हो जाता है। अम्मी और कश्यप इस बार भी कुछ कर लेंगे। पक्का? पक्का बेटा। ठीक है चलो उठो उठो, बहन की मदद करो। शाबाश। यार तुम्हें पता है जारून और अस्मारा की मम्मी हो गई है। अच्छा हाँ, अभी अभी मैं उसकी एंगेजमेंट रिंग देकर आ रही। इट इज ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। अच्छा, और तुम्हें पता है मुझे तो लगता है ये अंगूठी बहुत एक्सपेंसिव है यार। कुछ नहीं कुछ नहीं, 25-30 लाख की तो आराम से होगी, डायमंड से भरी हुई थी। गुड फॉर हाँ, वैसे गुड फॉर हाँ, वैसे सही कह रही हो, दोनों ही चीपस्टर्स हैं। वो जारून है ना, वो तो मुझे शुरू से ही जहर लगता था, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। और अस्मारा, वो तो लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के अपनी अंगूठी दिखा रही थी जैसे क्वीन इलिजाबेथ ने खुद बनाई हो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? पिछले घंटे से सुन रही हूँ। यार जारून तो ऐसे प्रटेंड करता था जैसे उसको भी शादी करनी ही नहीं है। जब उसे पूछती थी कहता था पहले एस्टैब्लिश हो जाऊंगा फिर शादी करूंगा। पता नहीं क्या हो गया। और अब उसने अस्मारा से कर ली। पहले 24 घंटे उसमें कीड़े निकालता रहता था और अस्मारा खुद हर वक्त उससे चुड़ैलों की तरह लड़ती रहती थी। अब कैसे अपने एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती है जैसे माउंट एवरेस्ट क्यों ना कॉन्कर कर लिया। मैं तो जारून को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी लेकिन वो तो बिल्कुल उल्लू निकला। ये टेस्ट है उसका? आई डोंट इवन फाइंड अ सिंगल थिंग कॉमन बिटवीन देम। और फिर भी इसने अस्मारा से एंगेजमेंट करवा ली। जस्ट डिस्गस्टिंग।